सो दोस्तों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हमारे पास है एप्पल का मैकबुक और रियलमी स्लिम बुक। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोनों का करने वाले एक एक्सट्रीम टेस्ट। एंड दोस्तों, बेसिकली इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेकर के कैमरा स्पीकर टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट से लेकर के सारे टेस्ट करने वाले हैं इन दोनों लैपटॉप्स के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाला लैपटॉप आपको देखने को मिलता है 50,000 रुपये के अंदर और ये वाला आपको 1,00,000 रुपये में देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों, ये एप्पल का मैकबुक है और ये अपना रियलमी का लैपटॉप है। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा अगर आप इंटरेस्ट रखते अपने रियलमी लैपटॉप के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से कंपैरिजन कर देते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप की साइज एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो भी आप देख सकते हो एप्पल का जो मैकबुक है आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा रियलमी स्लिम बुक के कंपैरिजन के अंदर। दोनों ही लैपटॉप के लुक एंड डिजाइन की बात करो तो दोनों ही लैपटॉप आपको देखने में सेम टू सेम दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों एक फर्क है दोनों ही लैपटॉप के अंदर। एप्पल के लैपटॉप के अंदर आपको एप्पल का लोगो देखने को मिलेगा एंड दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड एग्जैक्ट सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। एप्पल वाले के अंदर भी आपको एक बड़ा माउस पैड या ट्रैक पैड देखने को मिलता है और सेम टू सेम वही आपको रियलमी वाले लैपटॉप के अंदर बड़ा जो है माउस पैड देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है रियलमी वालों ने एप्पल वाले की कॉपी कर ली है। वहीं पे दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप के कैमरास के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी वाले ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, एप्पल वाले ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों, दोनों में से एक को पिक करना हो तो मैं एप्पल वाले को पिक करूंगा, क्योंकि एप्पल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाती है। बेसिकली आप सभी को पता होगा ये जो मैकबुक है वो एप्पल कंपनी का है एंड एप्पल के जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। एंड एक सीक्रेट बात बताऊँ, इस एप्पल के मैकबुक को मुझे बिल्कुल भी चलाना नहीं आया। जब मैं शुरुआत में लाया अपने दोस्त से, बिल्कुल भी चलाना नहीं आ रहा। बेसिकली दोस्तों, मैं सर्च किया कैमरा तो वहाँ पर कैमरा भी नहीं आ रहा। फिर बाद में मैंने यूट्यूब पर जाकर के वीडियो देखी भाई जो एप्पल के लैपटॉप के अंदर कैमरा कैसे चलाएं, तो वहाँ पर दिखा रखा था फोटो बूट, तो फोटो बूट में मैंने क्लिक किया, वहाँ पर जाकर के इसका कैमरा चला। तो बेसिकली दोस्तों, इसका एप्पल का जो लैपटॉप है ना पूरा का पूरा अलग चलता है अपने नॉर्मल रियलमी लैपटॉप या और नॉर्मल लैपटॉप से कंपैरिजन के अंदर। चलिए दोस्तों, आप दोनों ही लैपटॉप के स्पीकर टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोनों ही लैपटॉप को मैंने साइड में रख दिया, दोनों ही लैपटॉप में सेम गाना मैं चला के बताने वाला हूं। सबसे पहले जो हम एप्पल के लैपटॉप में गाना बजा के देखते हैं। बेसिकली दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। दोनों ही लैपटॉप्स के स्पीकर बहुत ज़्यादा लाउड हैं। कहने का मतलब, अगर आप कमरे में अगर कोई मूवी वगैरह देखते हो ना तो आपको दोनों ही लैपटॉप के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। इनफैक्ट दोस्तों, क्लियरिटी की बात बताऊँ ना तो दोनों ही लैपटॉप की जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। लेकिन दोस्तों, जो एप्पल का लैपटॉप है इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेस और थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर साउंड देखने को मिल जाती है रियलमी और लैपटॉप के कंपैरिजन के अंदर। और बाय द वे दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एक बात तो माननी पड़ेगी अपने रियलमी लैपटॉप की भाई, इस चीज़ के लिए मैं रियलमी कंपनी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ना लैपटॉप की, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाई है। बेसिकली यार, पूरी की पूरी बॉडी है वो मेटल की बनी हुई है। बात करूँ दोस्तों एप्पल के लैपटॉप की, तो यार एप्पल का लैपटॉप इतना महंगा आता है, 1-2 लाख का आता है, तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली बात है एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो लैपटॉप है ना अपने रियलमी का, ये 50,000 रुपये के अंदर आता है, इसके अंदर आपको इतनी खतरनाक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। ये जो लैपटॉप है इसको मुझे यूज़ करते करते पूरा 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर मुझे एक भी डेंट वेंट या स्क्रैच या किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं आई। सो बेसिकली दोस्तों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको मैं पूरे 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। चलिए दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप के स्पीड एंड परफॉर्मेंस के कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मैंने दोनों ही लैपटॉप को लगभग 1-1 घंटे टेस्ट किया एंड दोस्तों, दोनों ही लैपटॉप की स्पीड को टेस्ट करने के बाद, परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई दोनों ही लैपटॉप आपको तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देते हैं। बेसिकली दोनों ही लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलते हैं। तो अभी मुझसे कोई आके पूछता है ना कि रियलमी वाला लैपटॉप ज़्यादा फास्ट है, एप्पल वाला लैपटॉप ज़्यादा फास्ट है, तो मैं उसको ये जवाब देना चाहूँगा कि भाई दोनों ही लैपटॉप एकदम मक्खन चलते हैं, दोनों ही लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। लेकिन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो तो डेफिनेटली एप्पल का लैपटॉप थोड़ा सा आपको ज्यादा फास्ट और थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है रियलमी वाले लैपटॉप के कंपैरिजन के अंदर। दोस्तों, एप्पल के लैपटॉप के बारे में आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं बेसिकली वो काफी ज्यादा आपको महंगे देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी इस एप्पल के लैपटॉप के अंदर। ये जो लैपटॉप है ना, सच में यार आपके एक बार पैसे ज्यादा लग जाए, 1-1.5 लाख रुपए लग जाए, लेकिन आपको जो चीज मिलती है वो क्वालिटी वाली मिलती है। जैसे मैंने इस लैपटॉप को फर्स्ट टाइम ओपन किया था ना, तभी मैं समझ चुका था भाई इतना स्मूथ ओपन हो रहा है, वो भी एक हाथ से, पूरा
पूरा का पूरा दोस्तों लैपटॉप है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, फास्ट चल रहा है, कैमरे वगैरह भी इतने क्लियर, आवाज एकदम क्लियर, बेस वगैरह, कहने का मतलब दोस्तों जो लैपटॉप है ना आपको पूरा कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड करा देता है। छोटा सा पतला सा लैपटॉप एकदम बिल्ड क्वालिटी एकदम ऑसम, कहने का मतलब अगर आप एप्पल का लैपटॉप परचेस करते हो ना तो आपके पैसे जो है सही जगह लग जाते हैं। यहाँ पे आपको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे तो आपको जो फीचर्स और क्वालिटी है ना वो भी ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों जिन लोगों का बजट ज्यादा नहीं होता, जो लोग एप्पल के लैपटॉप को नहीं खरीद सकते, इवन खरीदने की सोच भी नहीं सकते, उन लोगों को मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई आप जो है अपना रियलमी स्लिमबुक लैपटॉप इसको परचेस कर सकते हो। ये भी आपको लगभग एप्पल वाली फीलिंग दिला देगा, इसका जो i5 वाला वेरिएंट है वो भी काफी ज्यादा फास्ट चलता है। एंड दोस्तों ओवरऑल ये जो लैपटॉप है आपको डे टू डे लाइफ के अंदर काफी बढ़िया स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देगा। तो चलिए दोस्तों एप्पल के लैपटॉप को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। जिस भाई का मैंने लैपटॉप लिया था उस भाई को मैं देने जा रहा हूँ, तो इसको रख देता हूँ मैं बैग के अंदर और अभी चेन को कर लेता हूँ बंद और अभी अपन चलते हैं इस लैपटॉप को वापस लौटाने। तो चलिए दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ इस लैपटॉप को वापस देने जिसका ये लैपटॉप था। एंड दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।